नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी एसएससी गवर्नमेंट कॉलेज हूँ। आज आपको राजस्थान के कालीबंगा के बारे में अपनी बात कहूँ। उससे पहले राजस्थान में जो महत्वपूर्ण पुरातत्व उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनकी सहायता से इतिहास लेखन किया गया है, उसके बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। राजस्थान में ऐतिहासिक सामग्री को संपन्न बनाने में यहाँ पर उपलब्ध पुरातत्व सामग्री का बहुत महत्व रहा है। इतिहास में राजस्थान का यदि अतीत देखते हैं तो वो बहुत प्राचीन है, लेकिन पुरातत्व दृष्टिकोण से इसका विकास, सर्वाधिक विकास मुस्लिम कालीन यानी कि सल्तनत और मुगल काल में देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर उत्खनन में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वे स्पष्ट रूप से हड़प्पा से भी पुरातन उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, जो ये साबित करते हैं कि यहाँ की सभ्यता बहुत प्राचीन थी। कालीबंगा का उत्खनन कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो आज से 4-5 हज़ार फुट की सभ्यता थी। इसी प्रकार से आहड़ की खुदाई में वहाँ पर जो तांबे की सामग्रियाँ मिली हैं वे उसके अतीत का एहसास कराती हैं। कालीबंगा में से प्राप्त पुरातत्विक उपकरणों में प्रधान रूप से मिट्टी के बर्तन थे, तो आहड़ में जो पुरातत्व उपकरण प्राप्त हुए हैं वे तांबे की मुद्राएं थी, और वहाँ पर पाषाणकालीन शस्त्र भी मिले हैं। आहड़ में आभूषण भी मिले हैं। इस प्रकार से भीलवाड़ा जिले के बागौर कस्बे से पुरातत्व सामग्री के रूप में प्रस्तरीय उपकरण मिले हैं। बागौर में प्रस्तरीय उपकरणों के अलावा ताम्र उपकरण जैसे सुई, कुंत्राम, त्रिभुजाकार शस्त्र आदि मृदुबांड में मिले हैं। रंग महल के सजावट के उपकरण में पकाई मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। जयपुर से 52 मील दूर स्थित बैराट में भी उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ जो उत्खनन के उपकरण प्राप्त हुए हैं वे सिंधु सभ्यता से भी पूर्व के हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के समकालीन माने जाते हैं। जयपुर जिले के समीप ही रेड में पर्याप्त मात्रा में पुरातत्व सामग्री मिली है। यहाँ भी मधुबांध मिले हैं। उनके अलावा पकाई गई सुंदर मिट्टी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में मातृ देवी की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। सांभर के उत्खनन में काफ़ी पुरातत्व सामग्री मिली है। प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर यहाँ की सभ्यता को ईसा की 30वीं शताब्दी से पूर्व का माना गया है। अब प्रश्न है कि इन उपकरणों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये उपकरण तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्था के विश्लेषण में एक सहायक सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और अलग अलग जो सामग्री है उससे अलग अलग जानकारियां हमें प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए शिल्प मूर्तियों से तत्कालीन मूर्तिकला का आकलन किया जा सकता है, वर्गीकरण भी किया जा सकता है। उनकी मुद्राएं, स्मारक, शिलालेखों और भग्नावशेषों से ऐतिहासिक काल का निर्धारण भी किया जा सकता है। जनजीवन की झांकी को इन्हीं उपकरणों की सहायता से जाना जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपकरण थे जो राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। अब मैं सीधा कालीबंगा के बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। कालीबंगा का उत्खनन एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह ऐतिहासिक स्थल वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है, जो दिल्ली से 310 किलोमीटर दूर घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ उत्खनन में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जो एक दूसरे के अति समीप हैं। यहाँ पर यदि हम जाते हैं तो
वहाँ पर मिट्टी के बर्तन टूटे हुए मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के अवशेष दूर दूर से एहसास करा देते हैं यहाँ पर कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। सभ्यता की खोज 1947 में सभ्यता की खोज 1947 में कालीगंगा और सभ्यता की खोज 1947 में भारत के स्वतंत्र हो जाने के पर पड़ोसी नवनिर्मित पाकिस्तान देश में अपनी सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता होने का दम भरना प्रारंभ किया क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों उसी के प्रदेश का हिस्सा बन चुके थे। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग ने पूर्वी पंजाब राजस्थान एवं गुजरात में उत्खनन कार्य आरंभ किया और इस कार्य में प्रसिद्ध पुराविद अमलानंद घोष ने राजस्थान में कालीबंगा और दूसरे से महत्वपूर्ण किलों को खोज निकाला जो इतिहास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए। अमलानंद ने इस कार्य में ब्रजवासी बालकृष्ण थापड़ ने आगे भी जारी रखा। बालकृष्ण थापड़ ने यह कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ओर से उन्होंने यह कार्य किया। इस कार्य में जो पुराने टीले खोदे गए उनसे कई विशेष जानकारियां प्राप्त हुई। कालीबंगा के सभ्यता में जो मूल स्रोत जो इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जो प्राप्त हुए हैं वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ मिला है भग्नावशेष। ये भग्नावशेष है उसमें दो टीले प्राप्त हुए हैं और इन दोनों टीलों में उत्खनन में पुराने मकानों के अवशेष और प्राचीर के अवशेष मिले हैं। दोनों टीलों के भवनों में भिन्नता मिली है तथा भवन निर्माण के उपकरण में भी भिन्नता पाई गई है। भवनों के उन अवशेषों के आधार पर तत्कालीन स्थापत्य कला नगर निर्माण कला का पता लगाया गया है। इसके साथ ही उन अवशेषों के आधार पर तत्कालीन जनजीवन तथा आर्थिक अवस्था का पता लगाने का प्रयास भी किया गया है। बर्तन कालीबंगा में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। उन बर्तनों से तत्कालीन कला के विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। रंगों के अलावा वे मृदु भाण भी स्पष्ट करते हैं कि चाक पर निर्मित होने के कारण उनका गर्दन साफ सुथरा नहीं था, यानी कि क्योंकि मिट्टी पे बनाए जाते थे तो नेचुरल है जितना प्राकृतिक रूप से वो बन जाता था वैसा ही उसका जो मूल स्वरूप है वैसा ही रहता था। मणमूर्तियाँ कालीबंगा में उत्खनन में मणमूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी भी हड़प्पा के लोगों की भांति मूर्ति कला से परिचित थे। आभूषण कालीबंगा में विभिन्न पदार्थों से निर्मित आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से निर्मित आभूषण में विशेषतः चूड़ियाँ और तांबे की मणियाँ मिली हैं। इससे स्पष्ट है कि कालीबंगा के निवासी आभूषण के प्रेमी थे, वे तांबे का प्रयोग भी करते थे। और इसके साथ साथ यह पता चलता है कालीबंगा के लोगों में समृद्धि और बहुत अधिक नहीं थी। चौसर की घोटियाँ कालीबंगा के उत्खनन में शतरंज व चौसर की घोटियाँ मिली हैं। बच्चों के मिट्टी के खिलौने मिलने से स्पष्ट है बच्चे व युवा दोनों ही अपने मनोरंजन का साधन भी रखते थे। अस्थियाँ प्राप्त अस्थियों के आधार पर यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न पशुओं का अनुसंधान किया जाता है। पुरातत्वविद का यह भी विचार रखते हैं कि यहाँ के मनुष्य मांसाहारी थे, वे पशुओं का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। इस प्रकार से ये विशेष सामग्रियाँ जो यहाँ मिली हैं इससे वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान स्पष्ट है हमें देखने को मिलता है। मूलतः यह सभ्यता सैंधव सभ्यता और उससे पूर्व प्राग हड़प्पा संस्कृति के रूप में भी
जानी जाती है क्योंकि इसमें जो निर्माण किया गया है वो कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है, जो सुरक्षा के लिए एक प्राचीर के रूप में, दीवार के रूप में और कोटे के रूप में निर्मित की गई थी। मैंने अपने इस बात को विस्तार से इस पुस्तक की सहायता से मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, वो उसका PDF आपके व्हाट्सएप में डाल रहा हूँ, आप पढ़ें और किसी प्रकार की कोई विशेष जानकारी चाहें तो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं।